दोस्तों आज की कहानी है माजी नाश्ते में सैंडविच बना लो। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर रोज नया वीडियो। मम्मी आप भी हलवा खाओगी ना? अरुणा ने अपनी सास प्रतिभाजी से पूछा। नहीं मेरे लिए मत बनाना, मैं सिर्फ दाल रोटी खाऊंगी और हलवा भी थोड़ा ही बनाना, प्रतिभाजी ने उत्तर दिया। खाने की मेज़ पर सबको खाना देने के बाद जैसी अरुणा खाना खाने बैठी, उसकी सास ने पूछा, बेटा थोड़ा हलवा हो तो मुझे दे दो। अरुणा ने मन महसूस कर चुपचाप अपने हिस्से का हलवा प्रतिभाजी को दे दिया। मना भी तो नहीं कर सकती थी, वैसे भी वह सासू माँ की इस आदत की आदी हो चुकी थी। जब भी कुछ बनाने से पहले वह उनसे पूछती तो हमेशा वो मेरे लिए मत बनाना कहकर खाने से मना कर देती और फिर बाद में अक्सर वही चीज़ खाने के लिए मांग लेती। सासी कम बनाने के कहना भी न भूलती कि चीज़ बसे न, पता नहीं कैसी आदत थी उनकी, पर धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि सासू माँ कम सामान खरस करने के चक्कर में अपने लिए कुछ भी बनाने से मना कर देती थी, फिर बाद में बनी हुई चीज़ में से अपना हिस्सा ले लेती थी। ज़्यादातर ये बलिदान अरुणा के हिस्से में ही आता, मगर कुछ भी बनाने से पहले उनसे पूछना भी ज़रूरी था, वरना उनको अपनी सत्ता खतरे में नज़र आने लगती। उसका भी अनुभव अरुणा कर चुकी थी। अब शादी के कुछ ही दिन बाद रसोई की जिम्मेदारी मिलने पर उसने एक दिन बिना पूछे सब्जी के साथ दाल भी बना ली थी तो सासू माँ कितना नाराज हुई थी। पतिदेव और ससुर जी भी खामोश तमसाई बने रहे थे। बाद में पति सोमेश सिर्फ इतना ही बोले कि कुछ भी बनाने से पहले माँ से पूछ लिया करो, जी नाश्ते में सैंडविच बना लो। अगले दिन अरुणा ने प्रतिभाजी से पूछा, हाँ बना लो पर ज़्यादा मत बनाना, तुम तीनों के लिए तो एक ब्रेडी काफ़ी होगी, क्यों आप नहीं खाएगी? अरुणा ने पूछा, नहीं भाई मेरे लिए मत बनाना, मैं असार पराठा खाऊंगी। आदत के अनुसार प्रतिभाजी ने कहा। अरुणा समझ गई कि एक ब्रेड में काम चलाने के चक्कर में माजी खाने से मना कर रही हैं। उसने सुबह शाम दो ब्रेड मंगवा ली। ससुर जी और सोमेश को नाश्ता पकड़ा, जैसे रसोई की ओर जाने लगी तो प्रतिभाजी ने आवाज़ लगाई, बहू ऐसा कर पराठा एक ही बनाना, सैंडविच ही तो दे देना, देखने में बड़े अच्छे लग रहे हैं। अरे माँ जी आपका मन हो तो सैंडविच ही अच्छे से खा लीजिए, मैं बना लाती हूँ, अरुणा ने कहा। मगर बड़े कम पड़ जाएगी नहीं पड़ेगी, असल में मैंने पहले दो ब्रेड मंगवा ली थी, मुझे लगा अभी कह रही हैं मेरे लिए मत बनाना, मगर शायद सबको खाती देख आपका भी मन सैंडविच खाने को कर जाए और मुझे फिर अपना हिस्सा बलिदान करना पड़े, ऐसा मन में सोचते हुए रूणा ने कहा। सासू माँ पता नहीं बात में सिपा संदेश समझी या नहीं, मगर हाँ आगे से उन्हें मेरे लिए मत बनाना कहना ज़रूर छोड़ दिया।